काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। रंगभरी एकादशी के दिन ही काशी में सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ व माता पार्वती को गुलाल लगाकर काशी में रंगों का पर्व होली की शुरुआत हो जाती है। एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के कुलपति तिवारी के आवास से बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की चल प्रतिमा विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना होती है। रास्ते भर भक्त बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलते हैं। रंगभरी एकादशी की तैयारी के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के द्वारा रंगभरी एकादशी की सारी तैयारी कर ली गई है। इस दिन बाबा की चल प्रतिमा मंदिर में प्रवेश करती है, जहां पर फूलों और गुलाल के साथ भक्त होली खेलकर काशी में इसकी शुरुआत करते हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस समय अवकाश के दिन चल रहे हैं, ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए छाया के साथ साथ पेयजल की भी व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की जा रही है, जिससे कि भक्तों को कोई असुविधा न हो। जैसी भव्य तैयारियां हर साल कराई जाती हैं, वैसी ही तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसमें बाबा की चल प्रतिमा मंदिर में आती है और फिर वहाँ पर झांकी दर्शन के लिए रखी जाती है। उसकी सारी व्यवस्थाएँ हो गई हैं और इन प्रतिमा को लाने के लिए फिर वहाँ पर फूलों की होली और उस प्रकार की एकादशी का जो रंग भरी, जिससे नाम इसका प्रदर्शित होता है, इसमें रंग और गुलाल और उसमें हमारा पुष्पों की वर्षा, ये सब शामिल रहती है। ये सब शामिल करते हुए बहुत अच्छा भव्य त्यौहार मनाया जाएगा और यहीं से ही होली का पर्व वाराणसी में और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रारंभ हो जाता है। बाबा विश्वनाथ की जो चल प्रतिमा है उसको मंदिर में रखा जाएगा और गर्भगृह में वो लोग सभी लोग श्रद्धालु लोग इसके दर्शन कर पाएंगे। उस दिन विशेष प्रसाद की भी व्यवस्था है और हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उस दिन करवा रहे हैं, ताकि भक्तों को एक एक रंग भरी एकादशी और होली के नज़ारे के साथ साथ वहाँ कुछ भजन और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलें। वाराणसी के ही स्थानीय कलाकारों को हम लोग इसमें आगे मौका दे रहे हैं, ताकि वे मंदिर में प्रदर्शन कर सकें और भक्तों का मन रिझा सकें। तो भव्यता जो इसकी हर साल होती है, उसी प्रकार से उसी अनुरूप हम लोग इस वर्ष भी इसका आयोजन कर रहे हैं।